Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today we will take up the same subject that is of enlightenment. In the previous episode we had done a small video of 15 or 16 minutes about enlightenment. What is enlightenment? Now as I talk about enlightenment with others, most of them seem to take up the subject very lightly, not as seriously as it should be taken up. Now, is this enlightenment or the state of enlightenment or bodh or the total consciousness, is this so easy to explain, or is it a serious type of issue which we should be talking about in a very, very serious note? And we don't seem to be explaining about enlightenment, the nature of enlightenment, what exactly it is, okay, what is there inside the enlightenment, inside the bodh, what is, or you can say, for example, is there any person behind this enlightenment or behind this bodh, or there is no personality at all? Is there any system in the enlightenment, or there is no system? What exactly takes place? Nobody seems to be answering or seems to be addressing this thing, this part. What exactly is the nature of enlightenment? Now today we will go a little deeper into this issue, very, very seriously, and with utmost care, right, from the yogic science point of view. Sharmaji, iske pehle episode mein humne enlightenment ke baare mein, bodh ke baare mein baat ki thi. Ji. Aur bodh ke baare mein maine bahut se logon ke saath baat ki hai. और बहुत से लोग भी बात करते रहते हैं, जैसे टीवी चैनलों में, यूट्यूब वीडियोस में भी, और बहुत जगह पे जहाँ पे उन्होंने, बहुत से लोगों ने किताबें भी लिखी है इसके बारे में. तो एनलाइटनमेंट के बारे में जब वो बताते हैं तो बहुत लाइटली इसको लेते हैं, हंसते हुए से बताएंगे, और जो पूछ रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है कि उसको भी समझ में आ गया, वो भी सेटिस्फाइड रहता है, वो भी हंस रहा है, वो भी सेटिस्फाइड रहता है. तो जो बताने वाला है वो भी खुश, और जो सुन रहा है वो भी खुश, मगर पता यही लगता है बाद में कि ना तो एनलाइटनमेंट के बारे में जो सुन रहा है उसको कुछ समझ में आया है, ठीक है, और जो बता रहा है ना उसको, क्योंकि वो उस ढंग से, उस सीरियसनेस के साथ नहीं बताता, ऐसा नहीं लगता कि उसका अपना एक्सपीरियंस है, वो खुद बोध की स्थिति में है या रहा है, ऐसा नहीं लगता उससे. हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान इकट्ठा किया है, और उनकी बुद्धि कुछ तेज होती है हम लोगों से, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ी बुद्धि तेज होती है, तो उस तो चीजों को पढ़ के अनुमान एक लगाते हैं, और वो अनुमान हो सकता है कुछ सही भी हो कुछ हद तक, और गलत भी हो सकता है. तो उस अनुमान से बोलते हुए बताते हुए प्रतीत होता है, और सुनने वाला भी इम्प्रेस होता है, ठीक है, मगर हमें ऐसा लगता है कि एनलाइटनमेंट को, बोध को ठीक ढंग से बताया नहीं गया कि इस स्थिति में ये स्थिति है क्या, आखिर इस स्थिति में कोई व्यक्ति है जो एनलाइटेंड होता है, जो जिसको बोध हो रहा है, कोई बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको हर चीज का बोध हो रहा है, ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, या स्वयं का बोध, तो है क्या एक्चुअली बोध की स्थिति में, क्या होता है बोध? इसमें हमारा यौगिक आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है कि जिसे बोध के बारे में, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे जो हैं संतगण और विज्ञानी सभी लोग इस तरीके की बोध के बारे में बात कर रहे हैं, मगर इसमें बहुत साफ कर दूं इस विषय को कि बोध जो है, बोध की स्थिति में ऐसा नहीं है कि बोध की स्थिति में हर व्यक्ति अपने प्रयास से जा रहा हो, ऐसा नहीं, कोई प्रयास से नहीं जा सकता, प्रयास किया जा सकता है, मगर वो प्रयास कामयाब
अक्सर कर नहीं होते हैं कि इसलिए क्योंकि हमारे प्रयास से बोध नहीं होता जी। बोध जो होता है वो प्राकृतिक जो नेचर है, जो हमारा जगत है, जिसे जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, जिस चीज को हम ग्रहण और त्याग करते हैं, ये चीजें सभी की सभी टोटल के ए से लेके जेड तक की जो चीजें हैं, तो वो सभी की सभी हमारे विपरीत काम करें। हम जो हमारे समझने के लिए हमें जिनकी जरूरत है और उनकी पूर्ति ना हो, विपरीत काम करने लगे, हमारे परिस्थितियां विपरीत हों, सारी परिस्थितियां जो हैं हमारे विपरीत हों, और ये जगत के कहने से ही, जगत के करने से हमारे को बोध की स्थिति आ सकती है, हमारे करने से नहीं आएगी। हम अगर सिर उल्टा कर लें और पैर ऊपर कर लें, तपस्या कर लें, हम अपनी आग चारों तरफ जला लें, बीच में बैठ जाएं, इससे बोध नहीं होता। अच्छा, यदि कोई प्रश्न करे तो नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो प्राकृतिक में अपने केंद्र में उन सब चीजों को ग्रहण करके कर रहा है, अभी उसका त्याग नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ बोध जिसे होता है वो एक, जब तक व्यक्ति उदासीन नहीं होएगा अपनी उन परिस्थितियों से जिन पे उन्हें भरोसा है, वो उस पे जब तक उनकी लात नहीं पड़ेगी, उनसे आपको नेगेटिव मार नहीं पड़ेगी, तब तक वो परिस्थिति में आप उदासीन नहीं हो सकते, और उदासीन नहीं रहोगे तो गंभीर नहीं हो सकते, और बिना गंभीरता बिना उदासीनता के बोध नहीं होता। उदासीनता का मतलब ये हो ना कि एक ऐसी स्थिति हो जाए कि जितने भी संबंध हैं जगत से, ठीक है, वो संबंध टूट जाए, और वो नहीं टूट, टूट संबंध टूटे नहीं। हाँ, संबंध आपके साथ विपरीत काम करें। अगर मैं अपने आप बच्चे से जो चाह रहे हो, बच्चा आपको, बच्चे से आप चाह रहे हो कि वो हमें कुछ पैसे दे, हमारा जीवन चले, और वो आपको जूते से मारे और घर में मारे, फिर चौराहे पे मारे, तब क्या स्थिति आपकी बनेगी? जीवन नहीं आप तो हटा रहे हो, और बच्चे की हालत यह है जो आपके बहुत करीबी हैं, जो आपकी चीज, मैंने पहले बोला कि जो बहुत करीब चीज है, खाना पीना रहना सहना ये सोचना बैठना नहाना धोना, और आपके अपने, दूसरे मारे तो अपने शिकायत करके उन पे बार करना, अनाशक्ति तो हो ही जाएगी प्रसंसार से। जी जी जी, अनाशक्ति ही, अनाशक्ति, संबंध नहीं टूटे, अनाशक्ति, अनाशक्ति आ गई कि है और ये हमारे हैं, मगर इनसे, इनसे जो मुझे उम्मीद है वो नहीं हासिल हो रही है, तो उनमें जो अनाशक्ति, जो नेचुरली उसको अनासक्ति हो जाएगी, नेचुरली अंदर अंदर उसको अनासक्त रहेगा, इसका मतलब प्राकृतिक भी नेचर करेगी तो हो पाएगा, ये हमारे करने से नहीं होता। और हम, हमारे करने से जब नहीं होता है तो प्राकृतिक करेगी, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति बोध की स्थिति में पहुंच रहा है और बोध की स्थिति में जा रहा है, तो वहां पर बोध की स्थिति में वो आपको ऐसी उदासीनता और गंभीरता ही लेकर के गई है, वहां आपका अस्तित्व नहीं है बोध के समय पर। कल भी मैंने एक पिछले एपिसोड में ही बताया था कि वहां आपका अस्तित्व नहीं है, वहां स्वयं से स्वयं को देखा सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, स्थिति देखी जा रही है, मगर पहले जैसे पहला स्थिति, पहली स्थिति में जाते हैं तो ये चीज जरूर है कि जो चीज लेके गई है, जो चीज लेके वहां तक गई है, वो वहां तक बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर पहली स्थिति में कोई चीज आपने देखा है, तो ये जो आपने जैसे ये एक लैपटॉप है, लैपटॉप को कभी नाम नहीं देखा, तो ऐसी स्थिति आई है तो वो ये चीज लगेगी, ओ बोध की पहली स्थिति, पहली स्थिति में आप एकदम धराशायी हो जाएंगे, ओ ये हमने तो बहुत बड़ी चीज देखी थी कि आत्मा होता है, भगवान होता है, या देवता होते, या कुछ भी होता, अल्लाह ताला होता है, ये रहा अल्लाह ताला, अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं, मतलब आपके जो भी पहले संकल्प विकल्प थे दिमाग में चल रहे थे, हाई फाई दिखा देगा वो, हाई फाई बोध की पहले स्थिति दिखा देगा, हाई फाई जो थे वो सारे धराशायी हो गए, वो सारे के सारे धराशायी हो गए। उसके बाद में ये चीज एक ही स्थिति में आती है, तो यहाँ पर, यहाँ कोई चीज सुनाई नहीं देती, केवल दिखाई देती है। दूसरी स्थिति में जब सामने देखते हैं तो वहां पर भी सुनाई नहीं देती है, दिखाई देती है, तो जो दिखाई, तीसरी स्थिति में सुनाई देती है, दिखाई भी देती है। और जब हमने ये बोला कि तीन स्थिति तो ये चीज ये है, जो चीज है वो चीज ये तीन है, मगर जो एक चौथी स्थिति में जब ब्रह्मांड आता है तो ब्रह्मांड सामने से उपजता है, गति बना करके तेजी से चलता है, अब तेजी से चल करके सामने ही लुप्त हो जाता है, इसका मतलब वो उपजता है
और वो लुप्त होता है। शर्म इससे ये पता लगता है कि जब बोध की स्थिति है वो और सूक्ष्म होती जा रही है। पहली स्थिति में ठीक है, जिस आप जो सोच के जिस पर्पज से ठीक है जो था आपके दिमाग में ठीक है उसने दिखा दिया बोध की स्थिति में ठीक है, और आपको रिएक्शन भी आया कि ये चीज अच्छा ऐसी है, हाँ, उसमें आया, उसमें आया, उसमें आया ठीक है। फिर जैसे ही दूसरी स्थिति बनती है उसमें नहीं आता, उसमें नहीं आता, और चीजें और बड़ी हो जाती है। तीसरी स्थिति में भी नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। और तीसरी स्थिति में पूरा ब्रह्मांडी चौथी स्थिति में वो पूरा ब्रह्मांड दिखता, तब आती है स्थिति, फिर वही हो जाती है, ओ ये ब्रह्मांड गया, ये तो कुछ भी नहीं। तो ब्रह्मांड को वो व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ रहा, तो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं वहां कहा जाएगा, बोध की स्थिति में सामने वाला पक्ष है नहीं, सामने वाला पक्ष नहीं है, इधर वाला पक्ष नहीं, सामने वाला पक्ष है मगर जो हमारी साइड वाला पक्ष है वो पक्ष है नहीं, वो नहीं है, बोध है, वो वहां हो रहा है, कोई देख रहा है, सुन रहा, कोई है, कुछ ना कुछ तो है, एनर्जी है, मगर वो जो चीज है वो चीज वहां पर स्पष्ट नहीं हो रही है कि है, वो चीज वहां पर स्पष्ट नहीं हो रही कि है। तो वो चीज को आभास फिर आखिर में होता है कि वो ये ब्रह्मांड उपजा और ये लुप्त हो गया। तो इसलिए उसके बाद जब वो बोध से उबर जाता है तो पूरा ब्रह्मांड में संबंध साधा जा सकता है। ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी जो चीजें हैं, चाहे वो आपके आध्यात्मिक रही हो से वो चीजें सामने आई हो, चाहे वो आपके विज्ञान से सामने आई हो, अगर उन चीजों का नाम जैसे ही आपको कोई व्यक्ति नाम लेता है तो वो नाम रूप से वो वहीं पे जाके लिंक साधता है और लिंक साध करके वो उसको वो स्थिति बताता है। तो वो दिमाग में आ रही है या हृदय में आ रही है ये हमारे अभी भी समझ में नहीं आई, तो वो चीज स्थिति सामने आती है और वो अपना स्पष्टीकरण करता है कि ऐसा हुआ है। तो जैसे उसी हिसाब से अगर हम दूसरे पक्ष को इसी पक्ष को देखें कि हमारे वेद आसमान से आए या ब्रह्मा जी ने दिए या कुरान शरीफ आकाशी किताब है, तो आकाशी ज्ञान है, वो आकाशी ज्ञान है, यहाँ बताया गया, यहाँ लिखा गया, आकाश से किताब छप के नहीं आई, वो संबंध सा उसी स्थिति से आई है, वो उसी स्थिति से आई है ठीक है। और ये उसी स्थिति में जब बाद की स्थिति है, ये बाद की स्थिति है, वो तो अब बोध का समय तो चला गया, अब बाद की स्थिति में आपका ब्रह्मांड में संबंध सद रहे और आपको ये चीज बोध की स्थिति से प्राप्त हुई है, तो ये जो चीज आपको प्राप्त हुई है तो इसको आप उपयोग में ला रहे हैं, तो आपको ब्रह्मांड की चीजें संबंध में सद रही है, उनको लिखा पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए ऐसी चीज हम जब इन पर विचार करते हैं तब वो संबंध सदता है, मगर ये संबंध खुद स्वयं उधर से कटता है, हम नहीं काट सकते, हम उस संबंध को वो उधर से कट जाता है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई अब दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इस विषय में कुछ व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए जो ये ऊंची ऊंची किताबें लिखी गई हैं, ऊंची ऊंची जो शास्त्र लिखे गए, इनकी व्याख्या करने वाले उसी लेवल के आदमी हों तब तो इसकी व्याख्या सही है, अन्यथा ये व्याख्या जो है अनुमान से गलत जा सकती है। तो ये जो शास्त्र के जिस तरीके से हमने भी सुने हैं, बहुत सारे संतों को सुना है, इस तरीके सुना है, ये शब्दों की रचना है, सुंदरता सुंदर शब्द शास्त्र से उठा करके उनसे हमारी बुद्धि के ऊपर कब्जा करके हमें बना दिया कि भाई ठीक है आप हम बुद्धिमान हो गए, आप कम बुद्धिमान है तो हम आपको गुरुजी मान रहे, भगवान मान रहे, सब कुछ मान रहे, वो तो ये कि ये जीवन का विषय है, मतलब उन्होंने कुछ भी बोल दिया हमने मान लिया, हमने मान लिया, तो ये बोध की स्थिति नहीं वो बता रहे, क्योंकि वो जो बोलते हैं संस्कृत के श्लोक बोलेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते हैं, शास्त्रीय चीजें बोलते हैं ठीक है, तो वो तो सामने वाला आदमी को लगता है कि नहीं ठीक बोल रहे हैं, हाँ अच्छा अच्छा लगता है, जबकि वो व्यक्ति बोध की स्थिति में नहीं होता। बोध की स्थिति वाले कोई भी शब्द तो बोध कोई करा नहीं सकता, ये अगर करा नहीं सकता, दिया नहीं जा सकता, थोपा नहीं जा सकता, ये आप ही आप निरंजन हो गए, अपने आप होता है ये अपने आप होता है, किसी के करने से नहीं होता ये चीज, अगर करने से होता तो शब्द ग्रंथ में गुरु नानक जी के वह शब्द ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी हुई है कि ना तो थापिया जावे ना ही देता जावे, आप ही आप निरंजन हो गए, ये शब्द नहीं वो लिखते, तो इसलिए अपने आप होता है ये, और ये किसी के करने से नहीं होता। और बोध की स्थिति में जो बात बताई गई, अगर इसको आप यहाँ जगत में देखें तो ये जागृत है एक अवस्था हमारी, तो यहाँ जगत है, इस हिसाब से बताइए, हाँ जागृत और जागृत, जागृत जो है मेरी यहाँ की अवस्था जो है वो जागृत है तो जगत में है, और अगर हम निद्रा अवस्था में हैं तो वहां स्वप्न में भी हम सामने हैं,
तो हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यहाँ जगत अप्रत्यक्ष और ये है, तो यहाँ ये दोनों चीजें चल रही है। यहाँ जो दोनों चीजें, ये जो दोनों चीजें चल रही हैं यहाँ पे, जागृत और जगत, और वहां चल रहा है निद्रा और स्वप्न। तो ये जो दोनों चल रही है, फिर उसके बाद में शरीर की स्थिति सुसुप्ति है, तो सुसुप्ति में लोक है, तो लोक हम जब सुसुप्ति में चले जाते हैं किसी कारणवश चले जाते हैं, तो उस वक्त हम सुसुप्ति में लोकों को देखते हैं। तो हम लोकों में क्या हो रहा है ये सारी गणना हम जब जागृत अवस्था में आते हैं तब हम उसका वर्णन करते हैं। तो ये जो शरीर है, ये तीनों शरीर यहाँ पीछे रखिए, आप अभी बोध की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बोध में आप बोध में जाएंगे तो बोध की स्थिति में ऐसी स्थिति बनती है, और ये बोध की स्थिति है, ये तीन के बाद आती है, ये तीनों शरीर के बाद जब बोध की स्थिति आती है, तो आपकी जो एनर्जी हो या दृष्टा आप उसे कहें या जो कुछ भी कहें, तो इधर वाला पक्ष नहीं है, उधर वाला पक्ष बोध में होता है। इसलिए हमने कल ये बात कही थी कि स्वयं से स्वयं को देखता है, सुनता है, वहां सुनने में भी आता है, देखने भी आता है, वहां ये जो देखने वाला है ये हिलता भी है, क्योंकि ये नीचे भी देखता है, सामने भी देखता है, फिर ऊपर को भी देखता है, तो ये अपनी पोजीशन को ऊपर नीचे कर सकता है। इसका मतलब है सामने वाली जो परिस्थिति हम देख रहे हैं उस परिस्थिति से ज्यादा इधर वाला पावरफुल है, ये एनर्जी ज्यादा पावरफुल है, ये एनर्जी उधर भी है, एनर्जी के बगैर इस ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है, और इस ब्रह्मांड के बाहर भी एनर्जी है, तो जो बाहर भी एनर्जी और अंदर भी एनर्जी, एनर्जी जो उसकी शक्ति है, शक्ति के बगैर कोई चीज नहीं है, शक्ति गति शब्द, तो शब्द भी वहां सुनाई देता है कि इसमें शब्द क्या हो रहा है, तो शब्द भी सुनाई देता है, गति भी दिखाई देती है, और उसमें क्या नाम उसकी ये प्रकाश भी उसमें दिखाई देता है कि प्रकाश कितना है उसमें, तो चलने में उसके प्रकाश होता है तो प्रकाश भी दिखाई देता है। तो यहाँ उस प्रकाश की अंधकार वाले की बात नहीं करते हैं कि अंधकार रहेगा अपोजिट प्रकाश रहेगा, उस बात नहीं है, वहाँ हल्की लाइट में सब कुछ है, उसी में वो प्रकाश दिखा रहा है चांदी से कलर का, तो वो जो है एक अंधकार वहाँ नहीं है, वहाँ एक हल्की लाइट है, जिस वक्त जिसे आपके ये इस वक्त आपने ग्राउंड इसका बना रखा है जो इसमें बना रखा है, इसी तरीके का प्रकाश है वहाँ पे, तो वहाँ कोई अच्छा जो पीछे एक आर्ट बना हुआ है, नहीं ये जो आपका ग्राउंड बना हुआ है ना पीले पीले से कलर का, अच्छा जो बैकग्राउंड जो, हाँ बैकग्राउंड अच्छा, जो आ रहा है इसी तरीके का प्रकाश है। अब इस बैकग्राउंड में कहीं ये चीज नहीं दिखाई दे रही कि यहाँ कोई केंद्रित है, यहाँ से ये लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही, वहाँ कोई चीज केंद्रित नहीं है, वहाँ बस एक हल्का प्रकाश है, उस प्रकाश में ये चीज, इसको इस प्रकाश को आलोक कहते हैं, हाँ ये आलोक, हाँ ये शब्द है, हाँ ये कह सकते हैं कि होता होगा, मगर वहाँ प्रकाश है। तो जो जो मेरा भी ये कहना है इसमें कि ये जो चीजें बताई जा रही हैं और ये जो बोध की स्थितियाँ आपको बताई जा रही हैं, ये हो सकता है कि कोई पूरी ना बता रहा हो, और हो सकता है कि पूरी का अनुभव ना हो, अनुमान से बताई जा रही है, हम शास्त्र से नहीं बता रहे हैं, हम अपनी बोध की स्थिति से बता रहे हैं आपको। तो ये संदेश जो हम देना चाह रहे हैं कि बोध की स्थिति ऐसी होती है, ये करने से नहीं होती है, मगर ये सामने से हो जाती है, हमारे प्रयास से नहीं, ये हमारे प्रयास से नहीं होता है, इसलिए प्रयास जारी रखो, हम तो यही कहेंगे कि प्रयास आप जारी रखो, मगर प्रयास जारी करके प्रकृति की ज्यादा पूजा करो, ताकि प्राकृतिक आपके विपरीत काम करे, अनुरूप हटकर विपरीत काम करे, वो आपकी अपनी रहे, आपसे इससे हटना नहीं, भागना नहीं, इसे त्यागना नहीं, त्यागना नहीं, अगर किसी को चीज त्याग से नहीं, अधूरेपन से कभी भी बोध नहीं होता, जब तक पूर्ण से पूर्ण को पकड़ा जा सकता है, अधूरे से आप पूर्ण को नहीं पकड़, क्योंकि बोध पूर्ण स्थिति है, और पूर्ण स्थिति को पूर्ण से पकड़ा जा, कंप्लीट प्राकृतिक से ही आप पकड़ सकते हो, उस स्थिति का सामना कर सकते हो, इसलिए ये चीज त्यागने वाली जो शब्द है और त्यागने वाली जो जो लोग शिक्षा देते हैं वो हमारे हिसाब से शायद गलत है। तो एक आम साधक को किस हिसाब से चलना चाहिए, क्या सोच के चलना चाहिए इस दिशा में? आम साधक को एक ऐसा अपने अंदर का एक टारगेट, एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि अंदर में ऐसी जो एनर्जी है, चाहे वो आपके गुरु रूप में, भगवान रूप में, किसी चाहे आत्मा रूप में, परमात्मा अल्लाह ताला के रूप में, चाहे गुरु के किसी के रूप में, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी, आप किसी एक चीज को, किसी एक एक को पकड़ने के लिए
एक ही पकड़ सकता है, एक को दो नहीं पकड़ सकते, दो नहीं पकड़ सकते, एक को पकड़ने के लिए एक ही स्थिति आप आपको पकड़े, तो एक स्थिति आपको अपने अंदर वाली स्थिति तय कर लो कि एक बनानी है, और जब एक पे आप टिक जाओगे, एक के आधार पर लक्ष्य बना के आप चलोगे, तो प्राकृतिक आपके ऑटोमेटिक विपरीत आ जाएगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। तो प्राकृतिक में पूरा चेतन का ये व्यापक सब चीज है प्राकृति के अंदर, और ये व्यापक जितनी है, जितनी गतिविधियां चेतन की हैं, वो आपके सब चेतन से तो करेगी है, उनमें रहेगी चेतना, मगर ये चेतना आपके अनुरूप नहीं काम करेगी, ये आपके विपरीत काम करेगी। तो जो अनुरूप आपके आ रहा है ना, ये आपको बोध नहीं होने दे रहा है, ये बोध में चीज रुकावट है। ओके फ्रेंड्स, आई एम रिमाइंडेड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which is said by Krishnamurti. Krishnamurti had said that meditation takes place when there is no meditator at all. Now, this is exactly the same thing what Sarmaji has just said. Sarmaji has said that enlightenment takes place, or not takes place, in the enlightenment, there is no person at all. There is no system who is enlightened. So in the state of enlightenment, the things are seen, the whole cosmos are seen, but there is no seer. There is nothing in the background. This is the state of enlightenment, and this state of enlightenment comes about very naturally. Okay, it is not the result of your effort. Okay, however hard work you do, in your meditation or in whatever you do, okay, so it is not the result of your effort. This comes about, this takes place very naturally when the natural circumstances are against you, and in this way it takes you in that state automatically, very naturally. So it is not because of your effort, it is because of the nature itself, it is because of the prakriti. So this is the state of enlightenment. So I can say that enlightenment is the state where there is no person, there is no system in that state, and this is very clearly explained by Sharmaji in all the three states, in the state of Jagrit, Swapna and Sushupti, and beyond that also, right? So we can understand, intellectually we can understand, but until the prakriti takes you in that state, it cannot be attained, it cannot be achieved. And I mean, it cannot be explained by words, because achievement is also not a good word to explain it. It is not achieved basically. It is not the achievement on your part. Okay, this is a state which naturally takes place, which naturally happens by the prakriti, by nature, not by you. Thank you.